ओके सो पहुंच गए हम इस अमेजिंग सी जगह पे. सो दिस इज़ बेसिकली अ होम स्टे कॉल्ड अर्थ होम. कुछ ऐसा इसका व्यू है. सो लेट अस गो इन एंड मीट द लेडी हु रन्स दिस प्लेस. आई केम टू नो अबाउट दिस प्लेस थ्रू इंटरनेट. सो काफ़ी रस्टिक प्लेस है एंड आई लाइक सच प्लेसेस. तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कम हेयर. स्टे का यहाँ पे मेरा कुछ प्लान आज का था नहीं, इसलिए आई एम नॉट स्टेइंग हेयर. बट एनी वे आई सेड कि लेट अस विजिट देम एंड मे बी कुछ अच्छा दिखे नेक्स्ट टाइम के लिए. हेलो. हाय. सो शी इज दिव्या. हेलो. सो हु इज रनिंग दिस प्लेस एंड जस्ट लुक एट दिस प्लेस. इट्स रस्टिक एंड इट्स ब्यूटिफुल, सिंपल येट अमेजिंग. सो दिव्या जी, टेल अस अबाउट योर प्लेस एंड देखते तो हम हैं ही हैं, जगह क्या है, बट जस्ट टेल अस अबाउट दिस प्लेस. सो दिस इज अर्थ होम एंड वी आर इको फ्रेंडली प्रॉपर्टी हियर इन पीलीभीत टाइगर रिजर्व. हमने अर्थ होम ओपन किया था आपका 31st December 2019 एंड देन या इट इज अ वेरी न्यू प्रॉपर्टी हियर और 22nd March से लॉकडाउन भी हो गया था. या सो आई थिंक मैं तब से ही शायद फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन दैट प्रॉपर्टी ऑन फेसबुक एंड ऑल द बिकॉज आई कीप ऑन सर्चिंग ऑल दिस प्लेसेस. तो व्हाई डोंट यू शो अस अराउंड. आई गेस दिस इज जस्ट लॉबी एरिया एंड डाइनिंग एरिया. थोड़ा सा अगर आप बताएं हमको तो. दिस इज माय डाइनिंग एरिया हियर. ओके. सो वी प्रोवाइड हियर होमली फूड. ओके. कम लेट मी शो यू माय कॉटेजेस. सो आपके पास टोटल कितने कॉटेजेस हैं यहाँ पे? यहाँ पे 4 कॉटेजेस हैं, एक डॉर्मेट्री है. बिकॉज इट्स अ होम स्टे हम 5 यूनिट्स तक ही कर सकते हैं. yes. तो अभी हमारे 5 यूनिट कंप्लीट है यहाँ पे. सो यहाँ पे हमने छोटा सा अपना मंदिर डेवलप okay. कर रखा है. दिस इज माय गार्डन एरिया. वेरी नाइस. So this is what, मतलब उसमें rooms में कुछ category है? हाँ, this is my leopard block. Okay. छोटा है और twin है. अच्छा, this is for double occupancy. Double occupancy, yeah. Okay, so this has a double bedroom. Oh wow. Jungle view here. View. So ये this is a twin sharing basis room. कम्प्लीटली ये मड से ही बना, राइट? सो आई एम ऑलरेडी फीलिंग इट अ बिट कूल हेयर बिकॉज इट्स ऑलरेडी मिड अप्रैल एंड गर्मी बहुत ज़्यादा, बार एटलीस्ट 35 degrees तो होगा. बट आई एम फाइंडिंग इट वेरी प्लेजेंट इन हेयर. ऊपर थैश्ड रूफ है विच इज़ वेरी नाइस. सो जिसको बोलते हैं सिंप्लिसिटी में प्रैक्टिकलिटी, दैट इज़ देयर. सो इट इज़ जस्ट बेसिक सिंपल मड का बना हुआ है बट स्टिल गुड. मीन्स दिस प्रूव्स दैट यू कैन बी मिनिमलिस्टिक येट प्रैक्टिकल एंड ब्यूटिफुल. सो दैट्स देयर. ये भी बहुत सुंदर है. सो इज दिस मेड बाय लाइक लोकल्स? बाय लोकल एरिया. अ वुमन ऑफ 80 years old. शी डिड ऑल दिस कार्विंग एंड प्लास्टरिंग दिस प्रॉपर्टी. ओके. सो इज देयर एनी एसी? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, नो एसी. ओके. सो इट्स ओनली और यहाँ पे एक छोटा सा क्लोजेट टाइप बेसिक. एवरीथिंग इज़ वेरी बेसिक बिकॉज इट्स अ होम स्टे एंड इट्स रस्टिक. सो लाइक दैट. ये भी देखिए, आई लाइक दिस ऑल्सो. तो इसकी भी कुछ स्टोरी है क्या? हाँ, दिस इज अ शटर. नहीं, ये जो पुली है इसमें लगी हुई. एक्चुअली मार्केट में कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था. सो आई आस्क्ड लाइक माय कारपेंटर कि आप पुली डिजाइन करो, बनाओ. ओके. हां, उसमें बेयरिंग भी है. यस. या नाइस. ही डिड दिस. सो वेरी नाइस. आई लाइक द व्यू. ओके. एंड अदर देन दिस व्हाट एल्स डू यू हैव टू ऑफर? या सो दीस आर टू ऑफ देम, राइट? टू रूम्स आर ट्विन. सो टू रूम्स आर twin sharing basis. Now let us see the triple sharing basis rooms. So can you see these are mulberry trees? हमने इनको लगाया था एक अच्छे शेड के लिए. ओके. बट क्या हुआ, जब चीतले यहाँ पर रात में आते हैं खाने के लिए. अच्छा, मतलब चीतल भी यहाँ पे. यहाँ चीतल, स्पॉटेड डियर यहाँ आ जाता है. वाओ. और उसने सब चॉपिंग कर दिए.
सो शी इज सेइंग दैट स्पॉटेड डियर यहाँ अंदर आ जाते हैं प्रॉपर्टी में इवन आफ्टर यहाँ पे सब फेंसिंग है एंड वो जो आप पीछे ट्री लाइन देख रहे हैं दैट एक्चुअल जंगल पीलीभीत टाइगर रिजर्व का वो कोर एरिया पार्ट है सो दैट इज देयर बिकॉज आई कैन सी अ वॉच टावर ऑल्सो देयर सो पेट्रोलिंग एंड ऑल के लिए बट दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि यहाँ पे भी चीतल आ जाते हैं सो ये है मलबरी और शहतूत जिसको हम बोलते हैं अरे वाह सो दिस इज योर फार्म राइट दिस इज माय फार्म और अभी हम यहाँ पे टोमेटोज ग्रो कर रहे हैं बहुत सारे हैं अरे हाँ कुछ लाल भी हुए हैं नाइस सो ये मलबरी ट्री थोड़ा बड़ा हो चुका है इस पे आ भी चुकी है दीज रेड वंस आर अभी छोटे हैं एंड दीज आर रेडी टू बी ईटन ये खा भी लेता हूँ यार खा सकता हूँ खट्टी है अभी बट नाइस सो ऑल अराउंड यहाँ पे सब फार्म्स हैं yes. और इस साइड में जंगल है एंड ट्रिपल शेयरिंग के अलावा कोई ऑप्शन है स्टे का डॉर्मेट्री Okay. Yeah, for eight bed dormitory. Eight bed dormitory. Nice. So what is this building? This is a house for adopted cow. अच्छा, yeah. adopted cows. Cows, yes. हम उनसे कुछ milk नहीं लेते हैं, we just feed them. So she has adopted cows, which are not used for like milking purpose or ऐसा कुछ भी नहीं है. Just simple adoption है. तो दिन भर करते क्या वो लोग? वो अपना खाना खाते हैं एंड दे गिव अस गोबर जिससे हम आपको उनको ऑर्गेनिक में यूज करते हैं उनका गोबर का यूज करते हैं मैन्योर के लिए या नाइस नाइस अच्छा सो ये ट्रिपल शेयरिंग या दिस इज माय टाइगर कॉटेज ओके सो दिस इज सेम एज कतरनिया घाट वहाँ भी लेपर्ड हर्ट्स और टाइगर स्वीट्स हैं तो यहाँ पे ट्रिपल है तो टाइगर है ओके या वेलकम Nice. So this one is a bit more spacious than the twin sharing. Bed बहुत ही अच्छा है. अच्छा ये भी आपने शायद खुद ही बनवाया टिम्बर से. Amazing. So. And this work is also done by me, Buddha. अच्छा you have done this. मैं इधर दिखाता हूँ shadow आ रही actually. Okay. So this is Buddha under tree. Very nice. So we have some chairs and again. Basic rack with a towel and flip-ons. Can I see washroom? Yes. So, ye again same sab mitti ka lep hai ispe. Okay, washroom, mini geyser. Size-wise, it's good enough. At least good enough for me. It's not huge, but just the right size you need for a jungle lodge. Clean hai. That's what I can say. So, as you know that I always say के कुछ भी हो वॉशरूम कैसा भी हो क्लीन होना चाहिए सो बेसिकली वेन एवर यू आर ऑन अ बजट ट्रिप ऑन और ऑन जंगल लॉजेस सो ऑल दो ठीक है आपको कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है बट एटलीस्ट नॉट ऑन हाइजीन एंड ऑल दैट सो दैट इज टेकन केयर ऑफ हेयर सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अ डॉर्मेट्री ओके This is my spotted deer unit. Okay. Nice. So this is a 8 unit dormitory, right? Yes. Nice. View the jungle. अरे वाह. So dormitory में jungle का view देखिए पीछे वो jungle है. This is farmland. और वो jungle है. So this is a complete view. और बाहर एक set out भी है ये. So this is something nice. Actual में means Dormitory is also very nice. और wooden flooring है Good. So this is your library. अच्छा ऊपर है? ऊपर library है. अरे वाह. There's a full jungle view. So ये forest, ये dormitory. ये लाइब्रेरी अरे वाह यहाँ आके एक्चुअली गोवा वाली फीलिंग आ रही है बट बस माइनस द सी व्यू सो दिस इज लाइब्रेरी
मोस्टली वाइल्ड लाइफ रिलेटेड बुक्स हैं. मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं. ओह वाओ, लुक एट दिस. वाओ, वेरी नाइस. सो यहाँ से कुछ वाइल्ड लाइफ वगैरह आती है ऐसा कुछ? Sometimes spotted a rhesus macaque, है ना, and your pea fowl. Okay. Because. And snakes. Snakes तो होंगे यहाँ बहुत. Mongoose. Yeah. Yes. छोटी वाइल्ड लाइफ आ सकती है because पूरा वायरिंग है वहाँ पे. Nice. चलिए. So rooms and all we have seen and अच्छा other than staying तो हो गया, सफारी वगैरह पे सब लोग जाते होंगे. उसके बाद I see few things here. So please tell us कि यहाँ पे क्या क्या और है. See winters के लिए हमने यहाँ पे एक bonfire fireplace है. Okay, I'll show you. This is a bonfire pit. यहाँ पे sit outs है. Nice. मतलब अभी तो खैर गर्मी है but for winters it's very nice or for mornings also because अभी भी morning में ठंड तो है. What is this? This is mini amphitheater. Come next. Very nice. Okay. So ये stairs हैं. Yeah. And ये आपका पूरा sitting arrangement and all. That's the stage. That's the stage. वहाँ पे हम videos, wildlife videos project करते हैं. Okay. Yeah. If it's a group, तो हम एक projecting लगा, projector लगा के रात में videos पीलीभीत की, दुधवा की, we projected here. Okay. Yeah. Nice. Very nice. चलिए मैं तो YouTube पूरा खा डाला है तराई को लेके. सो आई विल गिव यू सम सजेशंस इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी सीन देम और शोन देम. सो वो भी आप चलाइएगा. एंड दिस इज अ मचान. एक मचान भी है. तो दिस इज व्हाट कोई भी यहाँ जा सकता है. ओके, अभी तो नहीं, गर्मी बहुत है. एंड ये भी आपका पूरा फार्म है राइट? यहाँ पे हम गेंदा लगा रहे हैं. ओके. सो tell us about the food also because since यहाँ पे farm है and you are a home stay, it's basically a farm stay almost. Yes, yes. So जो यहाँ पे meals बनती हैं, are they like the source is from grown or partially grown, like what कैसा है? See, वैसे तो partially grown है but we purchase vegetables from the local farmers जो okay. भी like अगर कोई भिंडी grow कर रहा है तो मुझसे भिंडी purchase कर लेते हैं requirement के हिसाब से, या onions है, potatoes है, we take directly from them. Okay. और secondly हमारे kitchen में सब जो खाना बनाते हैं वो ladies बनाते हैं because I am a woman so I give opportunity to women also कि वो आए काम करें and earn amount. ठीक है? Yeah. Nice. चलिए, very nice. And so it was a good experience coming here. Dekhna means I'll definitely someday want to come here and stay here. So dekhen ab agla chakkar kab lagta hai. Filhal to evening safari ya wo karenge, wo main aapko dikhaunga. And then Divya ji, thank you very much for having us here and showing us your farm stay, this home stay. And so time to leave. Thanking again Divya ji. Thank you. Bye. You're welcome sir. Thank you. तो 2:30 बज चुका है और सफारी स्टार्ट होगी. इवनिंग सफारी 3:30 बजे और बस हम लोग भी ऑलमोस्ट फ्री हो चुके हैं. जस्ट अर्थ होम से निकल के गेट तक जा रहे थे. रास्ते में वी आर हैविंग सम गन्ने का जूस, बहुत ही अच्छा है. बहुत टाइम बाद पिया मैंने यार, बहुत साल बाद. बस अब गेट पे मे बी कुछ स्नैकिंग वगैरह करेंगे एंड देन स्टार्ट अवर इवनिंग सफारी. सो लेट्स सी अब इवनिंग सफारी में हमें क्या दिखता है, क्या एक्शन होता है. ऑल राइट, सो वी आर रेडी फॉर सेकेंड सफारी. जिप्सी में बैठ चुके हैं, टाइम हो चुका है एंड वी आर लीविंग. एंड बॉय आई थिंक आज कुछ तो दिखेगा, कुछ तो सीरियस होने वाला है बिकॉज साथ में हैं पीलीभीत के फेमस जीशान भाई एज अ गाइड. ड्राइवर साहब आप भी अपना नाम बता दो. आप हसीब? हसीब. हसीब हैं. चलिए देखें आज जीशान भाई क्या दिखाते हैं हमें.
अगेन बॉर्डर देंगे हेयर इन जंगल। यहाँ पे है यूपी और ये है उत्तराखंड। पूरा जंगल में एक लाइन है, दैट इज़ इंटरस्टेट बॉर्डर। सो द सेम थिंग इज़ इन जिम कॉर्बेट झिरना रेंज, जो शूट हो चुका है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वहाँ पे यूपी अमानगढ़ और इधर झिरना का जो रेंज है जिम कॉर्बेट का उत्तराखंड में, सो सेम थिंग इज़ देयर। सो वी आर सिटिंग एट दिस मचान, वेरी डीप इनसाइड पार्क, एंड इट्स ऑलरेडी 5:15 बज चुके हैं। टाइगर के मूवमेंट का टाइम हो गया और हमें कॉल्स सुननी शुरू हो गई हैं। तो आई थिंक हम लोग अब जिप्सी में ही बैठ के देखेंगे, बिकॉज रोड का मूवमेंट हम कैप्चर कर पाएंगे। सो सफारी ओवर एंड वी आर बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जो फॉरेस्ट ऑफिस है। टाइगर नहीं दिखा, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटी हो गई थी उधर, बिकॉज कंटिन्यूस कॉल थी लंगूर की, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी श्योर कॉल, और नीचे ही डेफिनेटली कुछ तो था, बिग कैट ऑफकोर्स टाइगर ही होगा, बिकॉज लेपर्ड यहाँ होता नहीं। सो बहुत देर उसको वेट करते रहे, बट अदर जिप्सीज वर देयर ऑल्सो, सो इट डिडेंट केम आउट। बट एनी वे ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, मज़ा आया। बाकी वाइल्ड लाइफ यहाँ बहुत ज़्यादा है, मेरा रिकमेंडेशन है कि पीलीभीत ज़रूर आए, अंडररेटेड है बट डेफिनेटली वेरी नाइस प्लेस, आई एम गोइंग टू कम बैक फॉर श्योर। बाकी वाइल्ड लाइफ मैं आपको यहाँ पे सब दिखाता हूँ, जितने भी मैंने क्लिप्स शूट किए हैं। So enjoy them and stay tuned and travel responsibly, as I always say, and enjoy. So just closing, it might be that ये season की मेरी आखिरी सफारी हो सकता, because COVID cases are increasing rapidly. So हो सकता है कि एक आखिरी सफारी हो, but अगर सब कुछ back to normal हो गया, because अभी lockdown लगने लगा हर जगह, अगर सब कुछ नॉर्मल होने लगा तो डेफिनेटली मई एंड जून में, बिफोर पार्क क्लोजेस, मैं ज़रूर कुछ सफारीज करूँगा, और देन आई विल कीप यू अपडेटेड। बहरहाल आई हैव ब्रीफ्ड यू अबाउट ऑल द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जोन्स ऑफ तराई। सो पीलीभीत वॉज रिमेनिंग, वो भी हो गया। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस टूर, दिस सीरीज़, ये पूरा सफ़र आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट सब कुछ साथ में हुआ होगा। एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड इट, सो आई एम इम्प्रूविंग, आई होप कि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट भी दिखा होगा। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग, एंड मैं ऐसे ही सीरीज़ और ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँगा। देन स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं नई सीरीज़ के साथ वेरी सून।